ज्यादा दूर तो नहीं पहुंचे? पहुंच जाएंगे वापस? नहीं नहीं माँ, एक घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ अच्छा, आप ना थर्मामीटर लगा कर एक बार चेक कर लो ना। हाँ मुझे तुरंत फोन करना, अलमारी में ही रखा है। हाँ ओके या बाय। क्या हुआ? निशु खांस रही है। खांस रही है? हाँ तुम दोनों कल पानी में भीग रहे थे ना, ये उसी का नतीजा है। कमाल है, अगर पानी में भीग कर बच्ची बीमार ना पड़े तो बचपन का क्या मजा है। वैसे माँ बनने के बाद से तुम थोड़ी पागल सी नहीं हो गई हो? Shut up. हाँ, you are behaving like a paranoid. It's not being paranoid. It's just being responsible for someone. तुम नहीं समझो। ओह हेलो, तुम एक बच्चे की माँ हो, मैं दो बच्चों का बाप हूँ, तुमसे ज्यादा पता है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, समझ में आया? अच्छा तो तुम अब निशु को अपने दो पेट्स के साथ कंपेयर करोगे? हाँ, इज द सेम थिंग। पहले उन्हें खाना खिलाओ, फिर उन्हें प्यार करो, फिर उन्हें मनाओ, फिर उनके साथ खेलो, उनकी सुसु पोटी साफ करो, क्या फर्क है? कुत्ता पालना बच्चों से ज्यादा टफ है। तुम्हारी ये जो कोर्ट वाली आर्गुमेंट्स है ना, वो तुम तुम्हारे पास रखना। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करना, मैंने चाय भी नहीं पी सुबह की। दिमाग है कहाँ तुम्हारे पास? शट अप। गाड़ी ऐसे चलाने वाली तो मैं तुम्हारे गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ, पर जाओगी कैसे? क्यों? कोई एसटी मिल जाएगी मुझे? हाँ मिलेगी, यही मिलेगी। Don't think I'm helpless, okay? I can manage myself very well and I don't need a man to do it. Sorry. मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ माँ, टेम्परेचर है? अच्छा नहीं है। ओके लेकिन फिर भी डॉक्टर त्रिपाठी। हाँ मैं भी सोच रही थी, मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ डॉक्टर त्रिपाठी से। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। मजिस्टर चाय। याद आया, नहीं कुछ नहीं याद आया। उतरो।
कुछ याद आया? नहीं, ये कैसी जगह ले आए हो? ऑफ ऑल द प्लेसेस ये जगह, सुनसान वीरान अनजान सी जगह। कमाल है वैसे, हाँ, यू आर अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। मुझे लगा था मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगा, तुम्हें कुछ याद आएगा, तुम खुश होगी, कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी वहां पे। यू आर अ यूजलेस पर्सन। सॉरी यार, मुझे ऐसे लगा था कि हम कोई हैपनिंग सी जगह जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। चल वही ले चलता हूँ। चल। नहीं, I was just joking. I'm just joking. अब यहाँ आए हैं तो we should enjoy here. Better. But jokes apart. कितनी खूबसूरत जगह है रही। काश वक्त ही थम जाए। वक्त ऑलरेडी थमा हुआ है, शांति भी बहुत है यहाँ। कुछ याद आया कि नहीं? तुम यहाँ आई हो? नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आई। कॉलेज का लास्ट ईयर, कैंपिंग, पार्टी, डांस, सोहित। ओ हाँ, ओ गॉड, सोहित, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम। सोहित, मुझे पता था उसका नाम लूंगा तो तुम्हें याद आएगा। कितना हैंडसम था ना यार वो, एंड क्या डांस करता था यार, वाओ, ही वाज ऑसम। नहीं, दैट्स ऑल दिस प्लेस रिमाइंड्स यू ऑफ? हाँ, दैट क्रेजी डांस पार्टी, एवरीवन वाज डांसिंग एंड सोहित वाज कवर्ड इन स्वेट, स्मेलिंग लाइक अ डॉग। गॉड, बट सीरियसली, बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। कुछ और भी हुआ था यहाँ पे, इसी स्पॉट पे, यहीं पे। कुछ याद आया? आई कांट बिलीव, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है? बहुत ही क्रूएल टाइप्स हो यार तुम। सॉरी। आज ही के दिन, आज की ही तारीख थी, यही जगह थी, 5th of June। 5th June। I proposed to you, और तुमने मना कर दिया था। Oh shit, yes, oh God, how can I forget? Oh yes, full drama था उस दिन। DDL जिस स्टाइल में तुमने मुझे रोज़ दिया था, and oh my God, I was so shocked. आज मना मत करना please. What? मना मत करना please. प्लीज मजेष्ठा, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज मजेष्ठा। आई रियली लव यू, आई नो दैट यू आल्सो, यू डोंट नो एनीथिंग, आई कांट डू दिस। Thank you.
पिछले 5 सालों में लाइफ ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। इट्स ओके, यू डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू मी। आई थिंक आई डू। नो यू डोंट, गलती मेरी है। आई जस्ट डोंट लर्न। जब तुम शादी करके जयपुर चली गई, आई थॉट आई विल फॉरगेट यू, और भूल भी गया था। बट देन तुम वापस लौट आई। And I started feeling the void in my life again. Strange, na? जब तुम सामने नहीं थी तो मुझे अकेलापन भी नहीं लगता था। I feel you are my life. एक्चुअली गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम सॉरी। या यू शुड बी। एक्चुअली सचिन का भी यू आर सेइंग समथिंग सचिन। शादी के दूसरे दिन ही सचिन ने मुझसे कह दिया था कि he never wanted to get married to me because he had a girlfriend। उनके कुछ कास्ट वास के पंगे थे। उसके पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे। So just for his parents' sake, he got married to me. इतना भी बुरा नहीं था। एक साल बाद something just changed in him overnight. मैंने कभी रीजन नहीं पूछा उससे, बट शायद उस लड़की की भी शादी हो गई। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। पहले ऑफिस के बाद बाहर ही, फिर घर पे भी आके I could sense कि उसके अंदर का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। पेरेंट्स के साथ झगड़े, मेरे साथ झगड़े। He used to be in that irritated mood all the time। पहले मैं मैनेज कर लेती थी, but later on even I used to give him back। एक संडे ऐसे ही हमारा झगड़ा हुआ एंड ही जस्ट स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस। उस दिन काफी लेट आया घर, 1:30-2 बजे होंगे। नशे में धुत, बिल्कुल होश नहीं।
I opened the door and he just... Did he hit you? No. जस्ट बिलीव कि तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया। तुम्हें अगर कह भी देती तो क्या फर्क पड़ता? It could have worsened the situation. But you can't just forget everything he did to you. I just wish I could forget everything he did to me. Actually, I'm sorry for what has happened to you. I can't take it. इसलिए मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई क्या कर सकता है other than just being sorry. आंटी को पता है? पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, इतना तो हक बनता है ना मेरा. You know, after knowing all this, I want to get married to you even more. I know. बहुत पुण्य का काम होता है ना किसी अनफॉर्चुनेट औरत की हेल्प करना. यू वेरी वेल नो दैट्स नॉट व्हाई आई विश टू मैरी यू. आई नो आई एम सॉरी. मैं बस जो मन में आए मैंने कह दिया. Do you want to think about it? I have thought about it. Main divorced hoon, rape victim hoon. Bevkoof thodi na hoon. I know you've been wanting to propose me for quite some time. I also know you genuinely care for me, Mama, Nishu, everyone. But I also know one more thing, and that is, जब तुम्हें ये सब पता चलेगा, you won't be able to look at us the same way. तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा. ऐसा नहीं मजिस्टर, तुम मुझे समझ ही नहीं पाए. I'm not trying to accuse you of anything. I know you are a good person. You are human. It's very natural
मुझे मुझे खुद को खुद से घिन आती थी। It was very difficult for me to accept Nishu. Like she was like a symbol of everything wrong that has happened to me. That was the reason I never wanted to tell you. Because I didn't want to face it. बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। अब लगता है जैसे जो है ठीक है। जिंदगी आधी कट गई है, आधी और कट जाएगी। Anyway, निशु को डॉक्टर के पास भी ले जाना है ना। हमें चलना चाहिए। I can wait. और कितना वेट करोगे मेरे लिए? आधी जिंदगी तो कर लिया है, आधी और कर लूंगा।